तो दोस्तों एक अंकल यहाँ पे मिल गए मुझे, 35 साल से ये शीर चाय यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इनसे बेहतर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि एक एक्सपीरियंस बंदे से हम जाने कि शीर चाय बनता कैसे है और ये दूसरे चाय से कैसे अलग होता है। और ये पिंक कलर का क्यों होता है? पिंक कलर होता है जब इसको पानी में डाल के खौलाते हैं ना। अच्छा। और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद तोड़ते हैं, तब तोड़ते तोड़ते पिंक कलर हो जाता है। 1.5 घंटा लगता है इस चाय बनाने में? आपको काजू बादाम पड़ता है, पोस्ता दाना है, काजू है, छोटी इलायची है, जाफरान शीशी में रखा हुआ है। अच्छा। वही केवड़ा जाफरान पड़ता है। ADK व्लॉग्स। हेलो 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 दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशरफ कमाल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों जब रमज़ान का पाक महीना आता है तो तरह तरह के फूड मटेरियल्स, जिसको व्यंजन कहते हैं, ये मार्केट में आ जाते हैं। ऐसे ही एक फूड मटेरियल यहाँ पर सब्ज़ी बाग, पटना का बहुत जाना माना जगह है, एक फूड मटेरियल आपको दिखाते हूँ। ये शीर चाय बहुत फेमस हो जाती है इस रमज़ान के मौके पे। ये शीर चाय कैसी होती है आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट पिंक होती है, ऑलमोस्ट का ये पिंक ही होती है, और कितना चाव से लोग इसको पीते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं शीर चाय को पीने के लिए। नॉर्मल चाय से ये क्या डिफरेंट होता है, व्हाट इज़ द रेसिपी एक्चुअली, तो इसको बनाने का और इसके अंदर क्या खास बात है, क्या खूबी है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। तो चलिए दोस्तों, आपको शीर चाय, जिसको कि पिंक टी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी दुनिया में लेके चलते हैं। एक अलग किस्म की ये चाय होती है जो रमज़ान के मौके पर ही मिलती है आपको। इस जगमगाती हुई रोशनी के बीच में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इस साल 2023 में 15 रुपये पर कप इसका रेट है। बहुत सारे टी स्टॉल्स लगे हुए, जैसे कि आपको रॉयल टी स्टॉल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आगे भी काफ़ी सारे टी स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आपको जहाँ भी पीना हो वहाँ पी सकते हैं। सारे टी स्टॉल का ऑलमोस्ट टेस्ट एक जैसा ही मिलेगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर भी एक शाही शीर चाय का स्टॉल लगा हुआ है। आप जब कलकतिया बेकरी, जो कि बहुत फेमस है सब्ज़ी बाग में, किसी से भी पूछ के आप यहाँ पे आ सकते हैं। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो कलकतिया बेकरी बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है। आप लेफ़्ट साइड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मुश्किल से 100 मीटर आगे, तो आगे आपको ये टी स्टॉल मिलेगा। इस टी स्टॉल की खूबी ये है, आप देख सकते हैं भर भर के लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं इस चाय के लिए, और नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हर तबके के लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं। आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए दोस्तों का एक ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, लोग दूर दूर से आते हैं। मैं अभी एक बंदे से मिला, वो दानापुर से सिर्फ शीर चाय पीने के लिए सब्ज़ी बाग आया था, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों एक अंकल यहाँ पे मिल गए मुझे, 35 साल से ये शीर चाय यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इनसे बेहतर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि एक एक्सपीरियंस बंदे से हम जाने कि शीर चाय बनता कैसे है और ये दूसरे चाय से कैसे अलग होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है चाचा आपका? सदरुद्दीन बावर्ची। सदरुद्दीन बावर्ची जी, ओके। ठीक है, आप ये बताइए कि ये चाय बनती कैसे और दूसरे चाय से कैसे अलग है? दूसरे चाय से तो बिल्कुल अलग है ये। जी, इसका पत्ती भी अलग है। अच्छा। ये कश्मीरी पत्ती है। अच्छा जी। और ये पिंक कलर का क्यों होता है? पिंक कलर होता है जब इसको पानी में डाल के खौलाते हैं ना। अच्छा। और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद तोड़ते हैं, तब तोड़ते तोड़ते पिंक कलर हो जाता है। 1.5 घंटा लगता है इस चाय को बनाने में, तभी ये 1.5 घंटा नहीं, यहाँ पे बीच में चाचा को रोक रहा हूँ, 15 रुपए ग्लास होता है। 1.5 घंटा खाली कप, सॉरी 1.5 घंटा खाली पत्ती खौलाने में लगता है, सिर्फ पत्ती को खौलाने में। हाँ, उसके बाद फिर उसको तोड़ा जाता है ठंडा पानी दे दे के। अच्छा, और क्या क्या चीजें होती है इसमें? इसमें आपको काजू बादाम पड़ता है, पोस्ता दाना है, काजू है, छोटी इलायची है, जाफरान शीशी में रखा हुआ है। अच्छा। वही केवड़ा जाफरान पड़ता है। क्या बात है। बस तो आप बता रहे थे कि 35 सालों से ये चाय दुकान आपकी यहाँ पे लग रही है। हाँ, ये दुकान मेरा नहीं, ये 35 साल से जी। और 35 साल से आप यहाँ पे शीर चाय हर साल? हमने 6 आने कब से शुरू किया था, 6 आने कोई चाय वाला नहीं था। तो आप शीर चाय सब्जी बाग में सबसे पहली बार आपने शुरू किया? जी जी।
दोस्तों ये बहुत यूनिक चीज आपको दिखा रहा हूँ। पिछले साल भी आपको मैंने ये वीडियो दिखाया था जी, लेकिन इस बार चचा मिल गए मुझे। और कुछ बताइए चचा, शीर चाय में और क्या अलग चीज होती है? डेढ़ घंटे अब आपको पकड़िए तो अब आपको पत्ती दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चचा, हम लोग को इसकी रेसिपी बता रहे हैं। पत्रकार लोग आते हैं ना एकदम, हम लोग पत्रकार नहीं है पर चाहते हैं कि नई चीज लोग देखे। पेपर में मेरा हर साल फोटो आता है। अच्छा, काजू किशमिश जितना मेवा पड़ता है सब लगा देते हैं तस्करी। चचा प्लीज वो चाय पत्ती दिखाइए हमारे व्यूअर को, ये देखना जरूरी है। तो ये चचा लेके आ गए हैं चाय पत्ती, तो जरा जूम करके दिखा दो भाई। कश्मीरी पत्ती बोलते हैं। ये कश्मीरी पत्ती है, ये थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल लीफ जैसा लग रहा है। पानी में डालने के बाद पत्ता हो जाएगा। अच्छा, छोटा छोटा जैसे नीम का पत्ता होता है। ओके, वैसे ही हो जाएगा पत्ता, ये खोलेगा। अच्छा अच्छा, डेढ़ दो घंटा खोलेगा। एक बार चचा वो चाय दिखा दीजिए हमारा व्यूअर को। ये देखिए दोस्तों, देखिए सुपर अमेजिंग दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। मैंने जो यहाँ पे टेस्ट किया है ना, ये बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। आप लोग बिल्कुल अगर पटना में सब्जी बाग कभी आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और इस चचा को आप ध्यान रखिए, हमारे वीडियो से इनका चेहरा बिल्कुल याद रखिएगा। मैं आपको दूर से एक बार लोकेशन भी दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं, ये लोकेशन आप देख लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से फ़ोन घुमा के दिखा दूँ, एक पटना नाश्ता स्टोर आपको दिख रहा है बिल्कुल उसके पास में ये है। और ये चचा 35 सालों से यहाँ पे ये शीर चाय लगा रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए लोगों की भीड़ देखिए आप, जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहा है, ईद नज़दीक आ रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोग भी इसको टेस्ट ज़रूर करिए चचा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सलाम। तो दोस्तों शीर चाय से मुतालिक ये हमारा व्लॉग आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता रहता है। ADK व्लॉग्स ADK व्लॉग्स।